Hey guys, welcome back at U&I Automobiles. आज के वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूँ कैसे आप Android Auto की हेल्प से अपनी कार में अपनी जर्नी को और ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकते हो। काफ़ी सारे वॉइस कमांड्स ऐसे हैं Android Auto के अंदर जो आप हेल्प कर सकते हो डेली लाइफ के अंदर, एंड ये आपकी जर्नी को बहुत स्मूथ बना देंगे। सपोज कहीं पे आपको जाना है तो आप इसमें नेविगेशन वगैरह स्टार्ट कर सकते हो एंड्रॉयड ऑटो की हेल्प से। जैसे कि मेरे को अगर हरीश बेकरी ढूंढनी है तो मैं कमांड दूंगा ओके गूगल स्टार्ट नेविगेशन फॉर हरीश बेकरी सेक्टर 83 गुड़गांव। नेविगेटिंग टू हरीश बेकर्स इन स्वीट सेक्टर 83। तो आप देखो अभी यहाँ पे नेविगेशन हमारा कार की स्क्रीन के ऊपर स्टार्ट हो चुका है, एंड ये दिखा भी रहा है कितना दूर है यहाँ से हरीश बेकरी और क्या रास्ता वगैरह रहेगा। सपोज अभी आपको नेविगेशन स्टॉप करना है, आप दोबारा वॉइस कमांड दे सकते हो ओके गूगल स्टॉप नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन आपका स्टॉप हो गया। ऐसे आप बोर हो रहे हो, आपको कोई पर्टिकुलर टेस्ट का गाना सुनना है, आपके फोन में एप्लीकेशंस पड़ी हैं गानों को सुनने वाली, सपोज विंक म्यूजिक है, अमेजन म्यूजिक है, आपको किसी के थ्रू भी गाना सुनना है तो आप इसमें कमांड दे सकते हो ओके गूगल प्ले सम म्यूजिक ऑन अमेजन म्यूजिक। तो अभी हमने अमेजन म्यूजिक को कमांड दी है गाना प्ले करने के लिए एंड्रॉइड ऑटो की हेल्प से, एंड गाना प्ले होना अपना लगभग स्टार्ट हो चुका है। मैंने आवाज कम कर रखी है, मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखिए ओके गूगल प्ले नेक्स्ट सॉन्ग। आपका गाना चेंज हो जाएगा। सपोज आपको म्यूजिक को स्टॉप करना है ओके गूगल स्टॉप म्यूजिक। आपके कार में गाना प्ले होना बंद हो गया। तो अभी आपको मैंने दिखाया आप नेविगेशन कैसे चला सकते हो, आपको मैंने दिखाया आप गाने वगैरह कैसे प्ले कर सकते हो। गानों का आपको मैं दोबारा एक बार डेमो दे देता हूँ ओके गूगल प्ले सम म्यूजिक ऑन अमेजन म्यूजिक। तो बेसिकली एंड्रॉइड ऑटो की थ्रू गाना प्ले करने के लिए आपके फोन में कोई एप्लीकेशन पड़ी होनी जरूरी है गानों को प्ले करने वाली। सपोज अमेजन म्यूजिक हो गया, सपोज आपके पास विंक म्यूजिक हो गया, गाना की एप्लीकेशन हो गई, कोई भी एप्लीकेशन फोन में पड़ी है तो बाय डिफॉल्ट वो उसको पिक कर लेगा। इसके अलावा गाने को प्ले करने के लिए आप एंड्रॉइड ऑटो की प्रेफरेंस सेटिंग में जाकर के बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन भी कोई लगा सकते हो। मैंने अभी इसमें विंक लगा रखा था और इसको बार बार मैं प्ले करने के लिए बोल रहा हूँ अमेजन म्यूजिक, इसलिए मेरे को अमेजन म्यूजिक बोलना पड़ रहा है, वरना ये विंक म्यूजिक को उठा लेगा गाना प्ले करने के लिए। सपोज अभी गाना हमको चेंज करना है, मैं बार बार इसको म्यूट कर रहा हूँ माइक को, बिकॉज ये सारे गाने डालेंगे अगर हम लोग वीडियो के अंदर तो यहाँ पे कॉपीराइट का इशू आ सकता है अपने को। ओके गूगल प्ले सम म्यूजिक। प्लेइंग सम म्यूजिक ऑन विंक म्यूजिक। ओके गूगल प्ले सम म्यूजिक ऑन अमेजन म्यूजिक। ओके आस्किंग Amazon टू प्ले सम म्यूजिक। तो ऐसे करके आप स्विच कर सकते हो डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर गाने को प्ले करने के लिए। मैंने आवाज कम करके आवाज तेज कर देता हूं। ये देखिए ओके गूगल प्ले नेक्स्ट सॉन्ग। तो गाना चेंज हो गया ओके गूगल स्टॉप म्यूजिक। इसके अलावा आप इसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हो, अगर आपको कुछ लेना वगैरह है घर जा रहे हो, कोई सामान आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, आप इसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हो ओके गूगल रिमाइंड मी टू बाय अ टॉवल आफ्टर 5 मिनट्स। श्योर आई रिमाइंड यू एट 3:22 PM। सी अभी आपने यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर दिया है, आप घर पे कहीं जा रहे हो, कुछ भी रास्ते में ऑफिस से छूट के आप आए, आपको लगता है कोई सामान आपको घर के लिए लेना है और आप मिस कर सकते हो, आप वॉइस कमांड दोगे तो वो आपके कमांड को के बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेगा एंड आपको ठीक 5 मिनट के बाद अभी रिमाइंड करा देगा। बेसिकली जितनी भी देर का आपने रिमाइंडर सेट किया है उतनी देर पे आपको ये याद करा देगा।
तो मैंने टॉवल परचेज करने के लिए इसको बोला है 5 मिनट्स के बाद मेरे को याद कराने के लिए, ये मेरे को याद दिला देगा। इसके अलावा बहुत सारी कमांड्स हैं, लाइक आपको पता करना है न्यूज़ क्या चल रही है बाहर, स्कोर पता करना है आप पता कर सकते हो। ओके गूगल, हाउ इज द वेदर टुडे? Today in Gurugram, it'll be sunny with a forecast high of 18 and a low of 7. Right now it's 18 degrees and mostly sunny. By the way, next time you can also press and hold the mic button on your steering wheel to ask me anything. Thank you Google. आपने देखा? अभी यहाँ पे ये अपने को बोल रहा था कि ये टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे गुड़गांव का हमारा, कैसा दिन रहने वाला है, सारा कुछ इसने आपको बताया। इसके अलावा ये आपको फर्दर ये भी बोल रहा है कि आपके स्टीयरिंग व्हील पे भी बटन मिला हुआ है आपको, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। एक मजे की बात दिखाऊं? ओके गूगल, हाउ आर यू? आई एम स्प्लेंडेड, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो कहने का मतलब है, पॉइंट आई वांट टू मेक इज, आप यहाँ पे कोई भी बातचीत कर सकते हो इसके साथ, अगर कार में बोर हो रहे हो कभी तो ये छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट करके एक बार आप लोग भी देखना। आपको मैंने अभी तक दिखाया आप नेविगेशन लगा सकते हो, आपको मैंने दिखाया आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, एंड ये आपको जितने भी टाइम के बाद का रिमाइंडर आपने सेट किया है, ये देखिए ये रिमाइंडर आना स्टार्ट हो गया। ओके गूगल, ये देखिए ये बाया टावल का मेरे को रिमाइंडर आना स्टार्ट हो गया, इसको मैं साइलेंस कर देता हूँ। तो बोला यहाँ पे था हमने और इसने मेरे फोन की स्क्रीन पे उसको बजाना स्टार्ट कर दिया रिमाइंडर को। तो ये कुछ फायदे हैं एंड्रॉइड ऑटो के, आप इससे बात भी कर सकते हो, आप रिमाइंडर लगा सकते हो, आप नेविगेशन स्टार्ट कर सकते हो, इसके अलावा आप गाने सुन सकते हो। तो ये कुछ फायदे हैं एंड्रॉइड ऑटो के। आपको वॉइस कमांड देनी है, वॉइस कमांड से ही बंद करना है, वरना आप यहाँ पे स्टीयरिंग पे भी जो बटन दिया हुआ है उसको यूज करके आप कोई भी गाना वगैरह प्ले कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं एंड्रॉइड ऑटो के, काफी फायदे हैं, गाड़ी में होगा तो अच्छा है आपके लिए, एंड मुझे लगता है काम की चीज है, आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। एंड दैट्स ऑल। वो सारे व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, गाइज यार्ड से विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मेक श्योर टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ ऑटोमोबाइल के अपडेट्स लेके आता रहता हूँ, एंड यू नेवर नो कब कौन सा अपडेट आपके काम आ जाए। गाड़ियों की टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा तो आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करने वाला। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।